जन्माष्टमी डेकोरेशन एट होम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड पे सेमी सर्कल ड्रॉ करके कट कर लिए। इसको कवर करने के लिए सेम साइज के एक ऑरेंज कलर के चार्ट पेपर मैंने काट करके इसके ऊपर पेस्ट कर दी। इसके बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये ब्लू कलर के लेस चूज़ की और फेविकॉल से इसके चारों तरफ पेस्ट कर दी। ये एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दी। नेक्स्ट एक कार्डबोर्ड पे मैंने एक मटकी के शेप ड्रॉ करके इसको कट कर लिया। फिर सेम साइज के एक ब्लू चार्ट पेपर कट करके उसके ऊपर पेस्ट कर दी। मटकी के बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर के ये डेकोरेटिव आइटम यूज़ की हूँ। मिडिल पे मैंने ये पिंक कलर के लेस पेस्ट कर दी। पीकॉक के फेदर बनाने के लिए मैंने लाइट ग्रीन चार्ट पेपर पे ऐसे शेप कट कर लिए। फिर इसके बॉर्डर को ऐसे कट कर दिए। फिर ऐसे शेप पे ब्राउन ऑरेंज येलो एंड ब्लू पेपर कट कर लिए। ब्लू के लिए मैंने यहाँ पर ग्लिटर पेपर यूज़ की हूँ। फिर मिडिल पे ये 1x1 पेस्ट कर दी हूँ। बस रेडी हो गया पेपर के पीकॉक के फेदर। फ्लूट बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर स्टिक पे ये ब्राउन पेपर पेस्ट कर दी। फिर फ्लूट को थोड़ा डेकोरेट कर दी। सबसे पहले मैंने फ्लूट को यहाँ पर पेस्ट कर दी, उसके बाद पीकॉक फेदर को अरेंज किए। फिर जाके मटकी को पेस्ट की। मक्खन बनाने के लिए मैंने रुई को थोड़ा सा राउंड शेप दी, फिर जाके यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिए। बस रेडी हो गया डेकोरेशन के बैकग्राउंड। अब लड्डू गोपाल जी को बैठाने के लिए मैंने सारे चीज ऐसे अरेंज कर दी। बस रेडी हो गया जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के सारे तैयारी। और कुछ ही घंटे पे स्टार्ट हो जाएगा जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।